नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक और बिहार दस्तक पर आज चर्चा करेंगे दीपक ठाकुर की। फाइनल में बिग बॉस के सीजन 12 के फाइनल में पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर के दीपक ठाकुर, पर फाइनल में दीपक की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि वोट करना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके दीपक को जीत दिलानी होगी। इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बताऊँगा। वूट, वूट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, VOOT वूट, और डाउनलोड करने के बाद आप बिग बॉस के ऑप्शन में जाकर दीपक ठाकुर को वोट कर सकते हैं। यहां तक कि मुजफ्फरपुर के डिप्टी मेयर मान मर्दन शुक्ला ने भी दीपक ठाकुर को वोट करने की अपील की है। बहरहाल, इस फाइनल सप्ताह में दीपक के साथ बिग बॉस के घर में क्या कुछ होना है आइए आपको बताते हैं। उससे पूर्व एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि दीपक ठाकुर के माता और पिता दोनों ही फाइनल में, बिग बॉस के फाइनल में दिखेंगे, और आइए आप जानते हैं कि बिग बॉस के घर में फाइनल सप्ताह में क्या कुछ होने जा रहा है। फिनाले वीक में श्वेता, विकास और जय आ रहे हैं पूछने कुछ तीखे सवाल, जिसमें सबसे पहले सवाल किए जाएंगे दीपक से। दीपक को लेकर ये डिबेट होगा कि वो अपने बैकग्राउंड से मिल रहे सिंपैथी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इस चीज में विकास देंगे उनका साथ, वही रोमिल खड़े होंगे उनके अगेंस्ट, ये बोलकर कि दीपक शहर में पले बड़े हुए हैं, ना कि कोई छोटे से गांव में। इस डिबेट की झलक आप खुद देख लीजिए। पहला जिसे मैं चाहूंगी कि आप इस हॉट सीट पर आ जाएं, वो है दीपक। आपने गांव से होने का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की है, अपना स्मॉल टाउन बॉय कार्ड प्ले करके आप कुछ भी कह देते हो, कुछ भी कर देते हो। कि गांव का जो नाजायज फायदा, वो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इन्होंने सच्चे दिल से खेला। ये गांव का ब्रॉट अप नहीं है। तो बोल, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्लियर? मैं जिस तरीके से बताया, मैं गांव में पला बड़ा हूँ, 20 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ता है, मेरे गांव में 15 दिन पहले ही लाइट आई है, इस तरीके की इसने बात मुझे बताई थी। टीवी नहीं था, ये नहीं था, तो हमने डैड के साथ टीवी कैसे देखी। दीपक गांव में नहीं, शहर में पला बड़ा। हमको बहुत प्राउड है, हम जहां से भी आते हैं। क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। कमियां निकालने में इतने ज्यादा माहिर कि कहीं उसको गलती से ये कार्ड ना मिल जाए कि वो कहीं स्मॉल टाउन से आए। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। नहीं रोमिल, ये बहुत गलत है, ये मत कीजिए। एक टीवी की बात उठी तो ये आप उसको पकड़ लिए, घर की बात उठी तो उसको पकड़ लिए। तुम अभी बोले तुम्हारे पास घर है, क्या भाई तुमको इतना डिटेल में जाने का शौक है ना, तुम जाओ मेरे घर जाके सारा कुछ पता कर लो। हालांकि एक तरफ जो सवाल दीपक ठाकुर के ऊपर उठ रहे हैं कि क्या वो किसी गांव के हैं या किसी शहर के, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यह मुजफ्फरपुर के आथर गांव की तस्वीरें हैं, और यह तस्वीरें तब की हैं जब आथर गांव में पिछले वर्ष बाढ़ आया था, और बाढ़ के समय में दीपक ठाकुर ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए वॉइस ऑफ मुजफ्फरपुर संगठन के साथ मिलकर लोगों की मदद की थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि दीपक ठाकुर गांव से जुड़े हैं, गांव के प्रति उनका कितना प्रेम है और वो गांव में कितना समय व्यतीत करते हैं। आइए अब जानते हैं कि मानमर्दन शुक्ला, सुधीर कुमार गौतम और बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने दीपक को वोट करने के लिए क्या कुछ कहा है। बिग बॉस 12 के प्रत्याशी दीपक ठाकुर इस वक्त फाइनल में पहुंच चुके हैं और मुजफ्फरपुर के प्रीम रोज पब्लिक स्कूल के छात्रों ने दीपक ठाकुर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील की है। आइए जानते हैं छात्रों ने क्या कुछ कहा है। रोज के स्टूडेंट हमें अपील करते हैं कि मुजफ्फरपुर के दीपक ठाकुर को वोट करें और उसे जिताएं। ठीक, गर्व की बात है कि हमारे शहर से हमारा छोटा भाई दीपक ठाकुर जो अर्थर गांव से निकलकर राष्ट्रीय टीवी शो बिग बॉस में अपना स्थान बनाया है, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से उसने इस मकाम पर पहुंचा है। आप सभी शहरवासियों से निवेदन है कि अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें, ताकि वह इसमें सफल हो सके। और दीपक के बारे में मैं बता दूं कि अपने समाज से, अपने शहर का एक उभरता हुआ संगीतकार है जो भविष्य में और आज भी अपने शहर का नाम रोशन कर रहा है। आप सबसे यही निवेदन है कि उसको ढेर सारा प्यार दें और उसके लिए वोट करें। बिहार दस्तक के माध्यम से हम आप लोग से अपील करते हैं कि आप लोग अपना वोटिंग दीपक को करें, और जो वोटिंग का माध्यम है वह इस वीडियो के बाद बताया जाएगा, आप लोग उस पर ध्यान देके दीपक को सपोर्ट करें। धन्यवाद। तेंदुलकर फैन सुधीर कुमार गौतम, आज हमारे बहुत खुशी है क्योंकि दीपक ठाकुर जी जो आज बिग बॉस में होस्ट किए हैं और नंबर 1 पोजीशन पे हैं, आप पूरे
बिहार वासियों और मुजफ्फरपुर वासियों से आग्रह है कि आप उनको वोट करें और वो ट्रॉफी मुजफ्फरपुर लाने की खुशी जाहिर करें।